लाल शर्मा का जैसलमेर दौरा। मैरियट होटल में मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जन नागरिकों से संवाद किया है। संवाद कर विभिन्न समाज के लोग होटल से निकले बाहर, सामाजिक स्तर पर हर घर पहुंचने का सीएम ने प्रयास किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भजन लाल का दौरा जैसलमेर और मैरियट होटल वो पहुंचे, वहां पर तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। सामाजिक स्तर पर हर घर पहुंचने का प्रयास सीएम के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर आप देखें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण या हॉट सीट इस वक्त कही जा रही है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बना हुआ है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में कैसे बीजेपी आगे आए और बाजी जीत ले जाए, इसी को लेकर लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। और अब जैसलमेर दौरे पर सीएम पहुंचे भी, मैरियट होटल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम ने तमाम स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत की है, संगठनों से बातचीत की है, और कोशिश यही कि हर घर पहुंचा जाए, हर घर बीजेपी अपनी बात कह सके। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से आखिरी दिन कोई 15-20 जनों ने नॉमिनेशन करे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। सभी का ये विचार रहता है कि सभी को जाकर टच करें। आप देखेंगे कि आप कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पधारे हैं पहले कई बार, और उसी रूप में आज तक भी कार्य कर रहे हैं। आपने जेड सिक्योरिटी भी हटा रखी है, आप अपने बड़े सरल स्वभाव से चलते हैं, तो उनका यही है कि मैं सबसे सहजता से मिलूँ, और छत्तीसी कौम के हर वर्ग के लोगों को पहचानते हैं यहाँ पर। तो वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैं आया हूँ तो उनसे सबसे मुलाकात हो, तो ये उनकी सरलता का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जो कद है और कार्यकर्ताओं का बढ़ता हुआ कद है, उसे दर्शाता है। और हमारे साथ फोन लाइन पर छगन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गिरिराज छगन, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री क्या अभी इस वक्त मौजूद हैं, और जो अलग अलग प्रबुद्ध जनों से बातचीत हो रही थी क्या वो अब खत्म हो गई है, इस दौरान कौन कौन मौजूद रहा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज होटल मैरियट के अंदर भाजपा के जो प्रबुद्ध जन है, विशेष जो सभी समाजों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ लगातार है जो मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट है उसको लेकर कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी और जो सामने है उमिता राम बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी, और उसको लेकर जो दाव पेच फंसा हुआ है बीजेपी की तरफ से, उसको निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है बीजेपी यहां पर। तो सुबह जो जैसलमेर के जो विभिन्न समाजों के जो अध्यक्ष थे, जो प्रबुद्ध जन थे, उनके साथ मीटिंग ली है, मीटिंग बाहर खत्म हो चुकी है, और उसके बाद अब युवाओं के साथ जो है मीटिंग ले रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ये राजस्थान सरकार जो है बीजेपी की जो है वो युवाओं को भी निशाना साधने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल गिरिराज, और ये कारण ये कि देखिए, क्योंकि यहाँ का मुकाबला बाड़मेर जैसलमेर की बात करें त्रिकोणीय मुकाबला है, अभी अगर बीजेपी की बात करें बीजेपी किस स्तर पर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, एक तरफ रविंद्र भाटी वो भी लगातार जुटे हुए हैं, बीजेपी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी का जो अभी मोटिव है वो मोटिव ये है युवाओं को साधने का। तो जो वर्तमान जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है कुणाल अडवाला, जो रविंदर सिंह भाटी के बिल्कुल नजदीकी माने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी जो है सुनने में आ रहा है कि भाई रविंदर सिंह भाटी को जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट से खड़ा करने में उनका हाथ है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी बातचीत की जा रही है, और उनके साथ जो युवा जो पहुंचे हैं होटल मैरियट के अंदर उनसे भी लगातार वार्तालाप किया जा रहा है। तो युवाओं को साधने का जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अच्छा गिरिराज, ये जो तमाम युवा पहुंचे हैं या जो और प्रबुद्ध जन पहुंचे हैं उनको साधने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान क्योंकि सीएम वार्तालाप कर रहे होंगे प्रत्याशी कहें या फिर कैलाश चौधरी, क्या वो भी इस दौरान मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में वो अंदर है या नहीं है, क्योंकि जो काफी है जो सुरक्षा का जो माहौल वहां बना हुआ है, किसी को पास में नहीं जाने दे रहे हैं, तो इसकी अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जो अभी मीटिंग से जो बाहर आए प्रबुद्ध जन, उनसे हम लोगों ने जब बात की तो उन्होंने ये कहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है और लोकसभा चुनाव है और लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें खड़ा होने का सभी को हक है, तो वर्तमान के अंदर जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन कौन है।
अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा गिरिराज सीएम का? जी बिल्कुल, ये युवाओं से संवाद के बाद मुख्यमंत्री भदनलाल शर्मा अपने विशेष विमान से बाड़मेर के लिए रवाना होंगे और वहां पर आमजन को वो संबोधित करेंगे कैलाश चौधरी के पक्ष में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे क्योंकि बाड़मेर भी जाना है उनको और मुख्यमंत्री आज कैलाश चौधरी के पक्ष में जो जनता है उसको संबोधित भी करेंगे और बड़ा रोचक फिर ये मुकाबला रहेगा। तस्वीरें जो है वो रहने वाली है।